खबरें सुना रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने गजल के शेर सुनाना शुरू कर दिए हैं। जनाबे डॉक्टर माजिद देवबंदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अब वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सलाम अलैकुम हजरात, इतना सब कुछ हो चुका साहिल साहब के साथ कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन ये तहज्जुद का वक्त है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो शेर उन्होंने पढ़े अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत से भी नवाज दे, इसलिए कि मेरा अपना ईमान यह है कि शेरों में तासीर जब पैदा होती है जब दिल में भी ईमान मौजूद हो। मैं चार पांच शेर तहत में, उसके बाद एक गजल, उसके बाद आपकी इजाजत। निराले मुज्तहिद हैं नक्शे पाके साथ चलते हैं, निराले मुज्तहिद हैं नक्शे पाके साथ चलते हैं, हवा से लड़ने वाले अब हवा के साथ चलते हैं। निराले मुज्तहिद हैं निराले मुज्तहिद हैं नक्शे पाके साथ चलते हैं, हवा से लड़ने वाले अब हवा के साथ चलते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, मेरे जलते हुए आंसू दुआ के साथ चलते हैं। वाह, तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, मेरे जलते हुए आंसू दुआ के साथ चलते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, बस आपका सुकून मुझे पांच मिनट दरकार है, मैं सबसे छोटा शायर हूं ये मुझे एतराफ है। जी बड़ी इनायत आपकी। तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, मेरे जलते हुए आंसू दुआ के साथ चलते हैं। आपका खादिम एक शेर आपकी नजर करके जा रहा है, शबे मेराज मेहरो माहो अंजुम की गुजारिश थी। मुलाहिज़ा कीजिएगा, शबे मेराज महरो माहो तपिश मुमकिन है इनकी अर्शे आजम तक पहुंच जाए, मेरे जलते हुए आंसू दुआ के साथ चलते हैं, शबे मेराज महरो माहो अंजुम की गुजारिश थी, चलो हम भी तुम्हारे नक्शे पा के साथ चलते हैं। वाह, शबे मेराज महरो माहो अंजुम की गुजारिश थी, चलो हम भी तुम्हारे नक्शे पाके साथ चलते हैं। और आखिरी शेर इस तहजीबी शहर और तहजीबी आवाम की नजर करके जा रहा हूं कि हमें ताकत से अपनी मत डरा इफरीत दुश, हमें ताकत से अपनी मत डरा इफरीत मगरिब के, हमें ताकत से अपनी मत डरा इफरीत मगरिब के, लिए नेजे पे सर हम करबला के साथ चलते हैं। वाह, हमें ताकत से अपनी मत डरा इफरीत मगरिब के, लिए नेजे पे सर हम करबला के साथ चलते हैं, शबे मेराज महरो माहो अंजुम की गुजारिश थी, चलो हम भी तुम्हारे नक्शे पाके साथ चलते। वाह, बड़ी इनायत आपकी, मैं सलाम पेश कर रहा हूं आपको। मैं तीन शेर तहत में सुनाकर फिर ताजा गजल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। मुलाहिज़ा कीजिएगा, इरशाद करने। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, मेरे सरकार का इरशाद ग्रामी है, मैंने शेर बनाने की कोशिश की है। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। बेशक, वाह 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 वाह। अपनी तारीफ करें आप तो क्या होता तो है? क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। आपकी चश्मे करम का हूं तलबगार, फकत मुझसे हो जाए जमाना जो खफा होता है। वाह,
آپ اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے، آپ کی چشمے کرم کا ہوں طلبگار فقط، مجھ سے ہو جائے زمانہ جو خفا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہمارے قبل اول کو توڑ کر نعوذ باللہ اس میں شراب خانہ بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آپ کا بھائی ایک بات یہ عرض کر رہا ہے، ایک بڑا شیطان تھا اس نے یہ ہمت کی تھی، آج تک کوما میں ہے، اسرائیل کا سابق صدر آج تک کوما میں ہے، اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شیر نظر کرتا ہوں کہ اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے، آپ کی چشمے کرم کا ہوں طلبگار فقط، مجھ سے ہو جائے زمانہ جو خفا ہوتا ہے، پھر کہیں اس کو پناہیں نہیں ملتی ہرگز، جس گنہگار سے اللہ خفا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، پھر کہیں اس کو پناہیں نہیں ملتی ہرگز، پھر کہیں اس کو پناہیں نہیں ملتی ہرگز، جس گنہگار سے اللہ خفا ہوتا ہے، ذہن و دل نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں جب کبھی تذکرہ غار حرا ہوتا ہے۔ ذہن و دل نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں، سبحان اللہ کیا وقت اللہ نے مجھے دیا ہے،